बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर सियासत और बयानबाजियां जमकर हो रही हैं। नीतीश कुमार ने जहां एक ओर हिंसा की घटनाओं को पूरी तरह साजिश बताया, वहीं दूसरी ओर नीतीश कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी ने इस मामले पर बयान देकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि इस हिंसा में देखने वाली बात यह है कि इसमें बेनिफिशियरी कौन है। दरअसल कटिहार के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कोई भी घटना जब घटित होती है तो जब पुलिस को क्लू नहीं मिलता तो पुलिस देखती है इस घटना का बेनिफिशियरी कौन है, ये बेसिक है और इस तरह से जब तफ्तीश की सुई उस ओर जाती है तब जाकर इस बात का पता लगाया जाता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। लाभ मिलेगा 2024 में? देखिए, अब पॉलिटिकल लोग हैं, जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ही लोगों को, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को संगठित करने के, संघर्ष के लिए तैयार रखने के लिए, कि जिस तरह का बयानबाजी, कुठाराघात और आरक्षण खत्म करने का गाये बगाये लोगों का बयानबाजी आता है उस पर लोगों को संगठित रहने के लिए, क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दिया है संविधान में उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। बीते दिन सासाराम और नालंदा में जो हिंसा हुई है उसके लिए विपक्ष आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन दोनों जिम्मेदार। तो ये दो बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी ये कहना चाहते हैं कि कोई घटना होती है कहीं भी, आपसी मारपीट की भी घटना होती है, तो जब पुलिस को क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस देखता है कि इस घटना का बेनिफिशियरी कौन है। ये बेसिक है कि घटना का बेनिफिशियरी कौन है और उसके बाद इंगित करके इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है और उसके आसपास जब जांच जाता है तब पता चलता है कि क्या। तो इस तरह की जो घटना होती है इसका बेनिफिशियरी कौन है? हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हम लोग प्यार और मिल्लत की बात करते हैं, हमारे नेता का कोई भी एक बयान चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, हर एक बयान में माननीय नेता कहते हैं कि प्रदेश तभी आगे बढ़ सकता है जब आपसी मिल्लत, भाईचारा और प्रेम के साथ हम रहने का बात करें और आगे बढ़ें। तो हमारी तो कोर, जिसकी हमारी तो आत्मा उसमें है कि हमारा आपसी प्रेम, भाईचारा आपसी लोगों में बढ़े, तो हम क्यों इसके पक्षधर रहेंगे या इस तरह की बात को सोचने की भी कल्पना करेंगे। अमित शाह का दौरा था और वो प्रायोजित बताया गया कि वो उनका दौरा था इसलिए कह सकते। देखिए, हम तो कोई एजेंसी नहीं है कि हम इस पर टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस तरह की घटना का बेनिफिशियरी कौन होता। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के मंत्री पद पर रहते हुए कॉलेज से वेतन उठाने के मामले में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होने की बात, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है। वो दो पद से वेतन लेने का मामला जो आ रहा है प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है ना। वो कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे सरकारी कोई कॉलेज रहता, सरकारी रहता, और जहाँ तक हमको जो जानकारी है उसमें प्रोफेसर जो मतलब हायर टीचिंग में है उनको अधिकार है कि वो एक जगह से तनख्वाह लें, या तो एक जगह से तनख्वाह लें और यहाँ से TA DA लें, जो व्यवस्था है उसमें। अब उनका क्या है वो पूरा डिटेल हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अब कहीं कहीं देख रहे हैं कोई डिस्प्यूट है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में तो बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन दिया है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मोकामा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मामले में हुए विरोध पर कहा कि राजनीति में बात करने का अधिकार होना चाहिए। सर, मोकामा में सम्राट चौधरी का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ है चौरमल महोत्सव। देखिए, वहाँ पर क्या परिस्थिति थे उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया से हमने देखा कि विरोध हुआ था। राजनीतिक लोगों को अपनी बात कहने का जगह मिलना चाहिए और चौहर महल तो मतलब ऐसा है कि सभी लोगों के हैं ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। अब कुछ लोगों ने वहाँ उनका विरोध किया, अभी तो वहाँ के लोग जाने उनका क्या परिस्थिति थी। बता दें कि इससे पहले कटिहार के मनिहारी में आयोजित भीम चौपाल से संवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार के अशोक चौधरी ने जनसमूह को संबोधित किया था। पंजाब केसरी TV के लिए कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।